पर बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केलंय। वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद असलेल्या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर आक्षेप घेत विरोधकांनी जोरदार विरोध केला। गुरुवारी या विधेयकावरून संसदेत मोठा गदारोळ झाला। विरोधकांनी विरोध केला तरी सत्ताधाऱ्यांनी या विधेयकाचा बचाव केला। अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही लोकांनी संपूर्ण वक्फ बोर्डावर कब्जा केला असून सर्वसामान्य मुस्लिमांना न्याय देण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं। विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये या विधेयकावरून मतभेद असतानाच आता इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या विधेयकाबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे। संसदेत वक्फ विधेयक सादर करताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार गैरहजर होते। यावरूनच आता एमआयएमचे नेते वारिस पठाण यांनी ठाकरे गटावर निशाणा साधलाय। वारिस पठाण यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलंय, संसदेत वक्फ विधेयक मांडण्यात आलं तेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे खासदार सभागृहात नव्हते, मुस्लिमांनी त्यांना भरभरून मतदान केलं, मग ते मुस्लिमांशी संबंधित विधेयकावेळी गैरहजर का होते? मुस्लिमांना गरज असताना ठाकरेंचे सर्व खासदार गायब झाले। महाराष्ट्रातील मुस्लिम हे बघत असून याचा हिशेब विधानसभेत होईल असा इशाराही पठाण यांनी ठाकरे गटाला दिलाय। पेशवा तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो यूबीटी उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे 9 के 9 एब्सेंट रहे, तो एब्सेंट रहे तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र की आवाम भी यही पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर, तो आज जब मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया है कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरप कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना, आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, ये खामोशी क्या दर्शाती है? मगर बिल्कुल सही बात है, अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप 9 के 9 एब्सेंट रह गए आज, वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो महाराष्ट्र का मुसलमान सब देख रहा है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।